हेलो ऑप्शन ट्रेडर, वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो सीरीज ऑफ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी प्रेडिक्शन। लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि 20 अगस्त को हमने आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि हमें वर्ल्ड वाइड मार्केट जो है वो थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है और डेफिनेटली जो है वो इंडियन मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखने की संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें फोकस नहीं करना है पीई पे। ये आपको सजेस्ट कर दिया गया था क्योंकि जैसे ही मार्केट खुला मैं आपको दिखा देता हूँ निफ्टी के चार्ट पे जाके। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल यू ट्रेंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे दबा दें, साथ ही दबा दें बेल आइकन ताकि हम जब भी कोई नई अपडेटेड वीडियो लेके आए तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे आ जाते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और हमने आपको अपडेट किया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कि अगर गैप डाउन ओपनिंग दिखता है तो तुरंत पीई पे फोकस नहीं करना है। अगर पीई पे फोकस करेंगे तो आपकी प्रॉफिट के लिए मार्केट को जाना पड़ेगा और नीचे, जो कि पॉसिबल नहीं है। 50% रिकवरी पॉसिबल थी जैसा कि आप देख पा रहे हो, ओपन हुआ यहाँ पे, तुरंत रिकवरी हुई। अगर मार्केट ओपन होते ही तुरंत आपने सीई पे फोकस किया होता तो जरूर आप एक अच्छी खासी प्रॉफिट में रहते। डेफिनेटली कुछ टाइम बाद वापस हमें गिरावट नजर आई और एक स्मॉल कंसोलिडेशन व्यू हमें देखने को मिला एंटायर डे। क्या एक्सपेक्टेशन है कल के लिए अगर देखा जाए वर्ल्ड वाइड मार्केट को? एसजेएक्स के ऊपर एक नजर डाले तो डेफिनेटली कल हमें गैप अप देखने को मिल सकता है टिल सेकंड रेसिस्टेंट, यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया 16600 के ऊपर हमें खुलते हुए नजर आ सकता है, जो कि तुरंत डिक्लाइन होते हुए भी नजर आ सकता है। लेकिन गाइस मंडे का मार्केट स्टेबल रह सकता है, डेफिनेटली आप जो है वो सीई पे फोकस कर सकते हो इंटायर डे। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि हमें पीई में ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिले मंडे को, क्योंकि इंटायर मार्केट की बात करें जितने भी हम फॉलो करते हैं, यूएस मार्केट हो गया या फिर हो गया एसजेएक्स, पर एक्सपेक्टेशन ये है कि इंडियन मार्केट में बहुत अच्छी गेन हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही देखा जाए बैंक निफ्टी में भी, मैं थोड़ी देर में अभी चार्ट पे ले जाऊंगा। तो गाइस क्या यहाँ पे सीन रहेगा, कल गैप अप ओपन होगा, हमें 10 o'clock तक रुकना है, पता चल जाएगी मूवमेंट हमें विथ वॉल्यूम एनालिसिस और ओपन इंटरेस्ट के साथ हमें समझ में भी आने लगेगा। मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उन लोगों से जितने भी इंस्टाग्राम यूज करते हैं, यूडी ट्रेंड ऑफिशियल सर्च करिए, उसे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे हम रील्स अपडेट कर रहे हैं डेली रूटीन पे, तो वो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा दिला सकती है निफ्टी के ट्रेंड एनालिसिस में। तो गाइस बैक टू द चार्ट, यहाँ पे अगेन बताना चाहूंगा गैप अप ओपन होता है 10 बजे तक रुक जाना, गैप अप ओपन होना बहुत ही ज्यादा संभावना हमें नजर आ रही है, तो 10 बजे तक रुक जाना, उसके बाद जो मूवमेंट आएगी आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दू चार्ट एनालिसिस की बात करें गाइस, क्योंकि हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन यहाँ पे हमें दिखाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि ये ब्रेक डाउन करेगा तो गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है, जो कि हुआ। इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को जब तक वापस नहीं पकड़ता है मार्केट, तब तक हम यहाँ पे कोई भी एक्सपेक्टेशन एस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट नहीं जा सकते हैं, हमें यहाँ पे फिलहाल तुक्का मारने वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए आपको बताया जा रहा है कि अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है इस पर्टिकुलर एरिया में 16600 के आसपास, तो आपको थोड़ी देर रुक जाना है, ट्रेंड व्यू समझ में आएगा तो अपडेट दे दी जाएगी, आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। और फिर भी अगर आप जंप करना चाहते हो तो मेक श्योर कि यू विल जंप विथ सीई नॉट पीई, ओके, फॉर मंडे स्पेशली। साथ ही देख लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को कि वहां पे हमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी पे भी था, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करते हुए आ रहे थे, हम जैसा कि आपको अपडेट किया गया था इसको ब्रेक डाउन किया है तो डेफिनेटली गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। यहाँ पे भी हमें रिकवरी देखने को मिली लेकिन क्लोजिंग तक वापस वही सीन आ गया जहां पे मार्केट ओपन हुआ था। तो बैंक निफ्टी में और अच्छी तेजी हमें एक्सपेक्टेड लग रही है क्योंकि इंटायर मार्केट पॉजिटिव है, और जैसे कि एसजेएक्स मार्केट अगर हमें पॉजिटिव व्यू देता है तो बैंक निफ्टी पे बहुत बड़े इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए हमने इंट्राडे सीरीज की वीडियो में आपको सजेस्ट किया है एचडीएफसी बैंक, जिसपे आप फोकस कर सकते हो। गाइस यहाँ पे हमें लॉन्ग कंसोलिडेशन देखने के बाद ब्रेकडाउन देखने को मिला, यानी कि लॉन्ग टर्म व्यू की नजर से देखें तो थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन जैसे कि आपको पता है हम अगस्त मंथ की एक्सपायरी की चर्चा कर रहे हैं तो हमारा फोकस जो है वो कल सीई पे होना चाहिए, ना कि पीई पे। दोनों पे बता देता हूँ, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों पे सीई पे फोकस ज्यादा रखना। अगर गैप अप ओपन होता है तो तुरंत प्रॉफिट बुकिंग का जो सिनारियो है वो हमें दिखता हुआ नजर आ जाएगा, और उसके साथ साथ जो है वो वापस रिकवरी मोड में आ जाएगा मार्केट, जिसी टाइम पे हमें जो है वो सीई पे फोकस करना है। तो मेक श्योर कि कल अपना फोकस ज्यादा रहेगा बुल साइड, और मार्केट जो है वो मोमेंट बुल साइड ज्यादा दे सकती है, ये एक्सपेक्टेशन पूरी पूरी हमें। चलिए गाइस देख लेंगे हम दोनों के इंट्राडे सेटअप को, समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स पे कर पाएंगे हम फोकस, जो कि होंगे ऑप्शन ग्रीक वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग। जैसा गाइस आप देख पा रहे हैं 26 अगस्त यानी कि अगस्त मंथ की एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम। सबसे पहले हमने लिया है निफ्टी 16500 सीई, जिसपे हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बोला। करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए तो 62 रुपीज़ देखने को मिल रही है, वेरिएबल्स है, डेफिनेटली कल अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन क्या हमारा व्यू होना चाहिए 30 का टारगेट, 30 का स्टॉप लॉस, चाहे कोई भी प्राइस पॉइंट हमें देखने को मिले
1:1 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ हमें चलना है। उसी तरह बात की जाए अगर पीई की, जो कि मैं इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा कल के लिए, 16,300 पीई जो है उसकी करंट मार्केट प्राइस 55 देखने को मिल रही है। अगर आपको याद हो, ये हमारा कॉल भी था, कई लोगों ने अच्छी प्रॉफिट ले ली, 88 रुपीज़ का हाई बनाया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, हमने कॉल दिया था तकरीबन सेम लेवल पे। टारगेट की बात की जाए 100% दिया गया है, क्योंकि हम यहाँ पे इंटायर वीक होल्डिंग की बात करेंगे। अगर ये क्लोजिंग तक आप ऐड कर देते हो तो इंटायर वीक होल्डिंग का माइंडसेट रखना, नो स्टॉप लॉस एज हीरो और जीरो कॉन्सेप्ट के साथ चलना है अगर आप पीई के साथ जाते हो। इसी तरह बात की जाए अगर बैंक निफ्टी की, तो सेम एक्सपायरी आप देख पा रहे हो, 35,200 सीई जिसकी करंट मार्केट प्राइस हमें देखने को मिल रही है 245 रुपीज़। 100 रुपीज़ का टारगेट, 100 का स्टॉप लॉस जो कि हो जाता है 1:1 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो लेके चलना है। उसी तरह पीई पे फोकस किया जाए, जैसे कि मैंने बोला सीई पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। पीई की बात करें तो 34,900 पीई जिसको आप लॉन्ग रन के लिए होल्ड कर सकते हैं, यानी कि नियर एक्सपायरी तक। करंट मार्केट प्राइस 251, सेम 100 यहाँ पे टारगेट एंड स्टॉप लॉस, 1:1 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ चलना है। तो गाइस ये हो जाता है कल यानी कि मंडे के लिए सेटअप रेडी, और सेम चार्ट 10 मिनट्स का ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देना, कंसोलिडेशन व्यू को ड्रॉ कर देना और रेडी रहना लाइव मार्केट में हमारे साथ। एक अनाउंसमेंट यहाँ पे देना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आपको बोला था हैशटैग माय ऑप्शन पे एजुकेशनल वीडियो आएंगी फ्रॉम सितंबर एंड, और उसी चैनल पे हम लाइव सेशन भी चालू करेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर ने आज कॉल किया था, उनसे हमारी चर्चा हुई थोड़ी, और उन्होंने हमें बताया कि आप लाइव आके ट्रेड सजेस्ट कर सकते हो, चार्ट के साथ साथ एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है, अच्छी मूवमेंट दे रहा है, तो यू कैन फोकस ऑन दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, सो पीपल कैन डायरेक्टली फॉलो यू ऑन YouTube और सीधा वहाँ पे आपको देख पाएंगे और वहाँ से जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो गाइज डेफिनेटली आइडिया अच्छा है उनका, और मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगा, उनका नाम भी मेंशन करना चाहूँगा, मिस्टर अंकित ने हमें सजेस्ट किया है। तो अंकित बहुत बहुत थैंक यू, आपका जो सजेशन है उस पर हम ज़रूर काम करेंगे और बहुत जल्दी आपके सामने लाइव आएंगे YouTube पे और लाइव चार्ट के साथ जो है वो डिस्कशन चालू करेंगे। तो गाइज कितने लोग सहमत हैं अंकित के इस आइडिया से, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम जितना जल्दी हो सके इस सेटअप को तैयार करें। गाइज उम्मीद करेंगे कल आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड से गुजर पाएंगे, कोई भी डाउट या सुझाव है तो नीचे कमेंट कर दें, और अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए गाइज मिलता है एक साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।